पे आज चुलबुली बहुत ही गंदी हो रही है, बिल्कुल क्लीन नहीं है, पर लेकिन यस काम पे तो जाना ही है, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, रेडी होके हम निकल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लोकेशन है वो काफ़ी दूर है, सो शायद हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। अभी 1 बज रहे हैं और लाइक 1 बजे हमारा ब्रेकफास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं लेट उठती हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो इसलिए 1 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है। प्रेम तो सुबह ही आ गया था पर लेकिन मैं लेट हो गई। अब बस हम फटाक से निकलते हैं, झटपट काम कंप्लीट करते हैं और वापस से आते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आज का डेकोर कैसा है, क्योंकि आज का जो डेकोर है वो हम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। इट्स अ पूल साइड डेकोरेशन, मैंने आज तक ऐसा कोई डेकोरेशन नहीं दिया। एक्चुअली इट्स नॉट अ पूल साइड, इट्स इन द पूल, पूल के अंदर है डेकोरेशन। सो लेट्स सी कि कैसा रहता है वहाँ का डेकोरेशन। क्या कहते हो प्रेम, तैयार हो चलने के लिए? हाँ, मेरा भाई भी रेडी है, अब हम दोनों जा रहे हैं। लेट्स सी कि कैसा रहता है आज का डेकोरेशन। बाय। जैसे कि हम तो रेडी हैं डेकोरेशन देने जाने के लिए, पर लेकिन हमारी चुलबुली भी रेडी है, बिल्कुल फुल कूल कर चुकी है, ये कूलिंग दे चुकी है, रेडी हो चुकी है। हम लोगों ने सामने वाला मिरर भी थोड़ा सा क्लीन करा है, अब ये रेडी है, रेडी टू गो। चलो लेट्स गो। जल ले लिए हमने बैलून्स के पैकेट्स, बाकी तो हमारे पास थे, ये वाले कलर नहीं थे, ये प्योर वाइट कलर है जो हम ले चुके हैं। एंड हैप्पी बर्थडे का टैग भी ले लिया है हमने, गोल्डन कलर का। हम लोगों ने कार में हवा भी फिल करा ली है, क्योंकि एक टायर में हवा नहीं थी, तो वो भी हम करवा चुके हैं। और अब बस हम निकल रहे हैं अपनी लोकेशन की तरफ। पहले हम वैशाली जाएंगे, वहाँ से हमको गैस बलून्स पिक करने हैं, जहाँ पे हमारा गोडाउन है। और थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं वहाँ पे बिल्कुल खो गई थी कि जब मैं स्कूल जाती थी तो ये वैन, ये सब कुछ स्कूल से रिलेटेड चीज़ें, मतलब कुछ अलग ही फीलिंग्स होती हैं। स्कूल की एक अलग ही लाइफ थी, अब उसको मैं बहुत मिस करती हूँ। स्कूल में थे तो बड़े होने की जल्दी थी, और अब बड़े हो चुके हैं तो छोटे होने की इच्छा होती है। इंसानी दिल है, सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है इसको। सब हम हमारी लोकेशन की तरफ पहुँच ही रहे हैं, जहाँ से हमको हमारा सामान पिक करना है और फिर हम आगे जाएंगे। काफ़ी दूर हो गया है ये। जैसे कि अभी सावन चल रहा है, यानी कि बारिश का मौसम, तो क्या होता है कि जैसे कि ऐसी रोड़ी जो होती है इनके अंदर पानी भर जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारा कीचड़, या फिर अपन बोल सकते हैं मिट्टी और पानी का मिक्स होकर जो बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। आज थोड़ी सी धूप है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे जब मैं आऊँगा यहाँ से बहाव आएगा, यहाँ से आएगा, और ये एक चौराया है तो पूरा पानी पानी हो जाएगा। आप लोग देखिए मैं कैसे अपनी गाड़ी को बीच में खड़ी करके वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये, वाह वाह वाह। चलो इसको साइड में लगाई जाए। ही लगा दी हमने साइड में कार, और ये हमारे बैलून्स आ चुके हैं यहाँ पे। ये थोड़े से, अब ये पूरी हमारी कार बैलून से भर जाएगी और बहुत ही प्यारी लगेंगे। आई लव बैलून्स। आज तो हमारी वेन्यू में खूब सारे बैलून्स आ गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और अभी तो ये पूरी भर जाएगी बैलून्स। और ये प्रेम यहाँ से पत्थर ले रहा है ताकि हम बैलून्स को सपोर्ट देंगे उसका, और हमारे बैलून्स ये रहे कार के अंदर, और बैलून्स भी आ रहे हैं। हेलो। और यहाँ पे हमारे बैलून्स फुल रहे हैं ऑलमोस्ट। बस कुछ बैलून्स हमने डिक्की में दिए हैं, कुछ बैलून्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, और अब चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे सारे के सारे बैलून्स फिल हो चुके हैं और हम लोगों ने कार में भी ले लिए हैं। अब देखते हैं ये रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हर टाइम कार जाती है बड़ी वाली, आज थोड़ी छोटी है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग देते हैं अपनी कार की। और फिर ये रहे हमारे बैलून्स, और ये आ गए हम लोकेशन पे, पूल साइड जो हमारा डेकोरेशन है, आज यहाँ पे देंगे हम डेकोरेशन। और ये प्लेस काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा प्लेस है। आई थिंक सो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और शाम को तो शायद ये और भी बहुत प्यारी लगेगी। यहाँ पे हमने सारे बैलून्स को बांध दिया है, पहले हम सोच रहे हैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे वगैरह दे देते हैं, उसके बाद आगे का करें। देखो प्रॉपर्टी में सब कुछ सही है, पर लेकिन हमको यहाँ पे पावर प्लग नहीं मिला, सो यहाँ पे नियर बाई एक वॉशरूम था तो यहाँ पे हमने लगा दिया है अपना
मशीन और हम लोग स्टार्ट करें। कमोड के ऊपर रख लिए हमने मशीन को, ये रे बलून्स, इनको फटाफट से फुलाते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो अभी हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कहाँ पे पावर प्लग है कहाँ पे नहीं है, फटाफट से ये कंप्लीट करते हैं और फिर घर जाते हैं। यस, यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे फॉइल बलून्स गोल्डन कलर के फुला दिए हैं, कुछ बलून्स भी फुला दिए हैं। प्रेम गया हुआ है टेप लेने के लिए जो कार के अंदर पीछे रखी हुई है, फटाफट से वो लेते हैं फिर इनको प्लेस करते हैं। और जिनको टेप नहीं मिली थी तो टेप लेने के लिए मैं गई थी, जस्ट लेके आई हूँ टेप, कार के अंदर ही थी, प्रेम को नहीं मिली। सो फटाफट से आ गई हूँ, काफ़ी बलून्स मैं फुला के गई थी, काफ़ी काम कर दिया है मैंने, देखती हूँ प्रेम ने कितना करा है, देखते हैं। वहीं पे पीछे रखी हुई थी प्रेम, बलून्स काफ़ी सारे यहाँ पे, हम हैप्पी बर्थडे जो है वो अटैच कर चुके हैं, अब आगे का डेकोरेशन देंगे। फुल स्वेटिंग हो रही है, अब मैं जाऊंगी पूल में, मैंने शॉर्ट्स चेंज कर लिए हैं, जींस की जगह मैंने शॉर्ट्स पहन लिए हैं, मैं पूल में जाऊंगी वहाँ पे बैलेंस दूंगी। सो लेट्स गो। और यहाँ पे हमने दे दिया है हैप्पी बर्थडे बैनर, मैं अभी पूल में हूँ और ये हम दे चुके हैं यहाँ पे बैलेंस भी, बैलेंस को जाना पड़ा है पूल में, डेकोरेशन कम्प्लीट हो चुका है, हैप्पी बर्थडे भी हो गया है, मैं बस पूल से बाहर निकल रही हूँ। सो आर डेकोरेशन इज़ कम्प्लीटेड और सो फाइनली हमारा डेकोरेशन कम्प्लीट हो चुका है, मैं पूल में गई थी, पूल से बाहर भी आ चुकी हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड पे। फाइनली बहुत ही टाइम लग गया इसको कम्प्लीट करने में पर लेकिन हो चुका है कम्प्लीट, सो लेट्स गो। फाइनली हमारा डेकोरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और हमारे क्लाइंट्स को काफ़ी पसंद आया है हमारा डेकोरेशन। ये पूल साइड डेकोरेशन था और काफ़ी मेहनत लग गई, आप लोगों ने देखा ही होगा, छोटे से काम में भी काफ़ी बार बहुत मेहनत लग जाती है। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कोऑपरेटिव था, उन्होंने भी आज मेरी हेल्प करी, बहुत हेल्प करी उन्होंने मेरी आज, एंड ये काइंडनेस देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं। इवन मैं आप लोगों को इस जगह का वापस से नाम दिखाना चाहूँगी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। फ्रेंड्स, सो फाइनली हम कार में आ चुके हैं और मैंने चेंज भी कर लिया, आप लोग सोच रहे होंगे ड्रेस कैसी चेंज हो गई, जैसे कि मैं पूल में गई थी तो पूल में जाने के बाद जब मैं वहाँ से 2 घंटे बाद बाहर निकली तो मैंने अपना ड्रेस चेंज किया और सारा का सारा काम जो लास्ट फिनिशिंग देनी थी वो दी और हम लोग निकल गए घर के लिए। अब हम लोग जस्ट जूस वगैरह पियेंगे, कुछ खाएंगे, फिर हम लोग घर जाएंगे या लंच करेंगे, मम्मा ने लंच बना रखा है, वो करने के बाद हम हमारी दूसरी साइड पे जाएंगे। और क्या होता है ना कि काफ़ी लोग कहते हैं कि छोटा सा तो काम है, बहुत इजी होता है, हम ही कर लेंगे, तो ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं, बट आई फील लाइक दैट कि जितना छोटा काम होता है उसमें ज़्यादा मेहनत होती है और उसके अंदर हर चीज़ विजिबल होती है, तो उसको बहुत ही मेहनत से और शिद्दत से करना होता है, उसके लिए पेशेंस भी चाहिए होते हैं। मैं कभी नहीं थकती हूँ, मुझे थकान कभी नहीं होती है क्योंकि ये जो काम है ये मैं अपने दिल से करती हूँ, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एयर होस्टेस हूँ, उसमें मेरा इतना दिल नहीं लगता जितना मुझे मेरे पर्सनल बिजनेस में लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, ऐसे ही बहुत सारा प्यार दें और ऐसे ही भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से मेरी बिज़नेस कंपनी ऐसे ही चलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, जो जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं उनको दिल से शुक्रिया। और प्रेम भी कुछ कहना चाहता है, सबको थैंक यू कहना चाहते हो ना प्रेम? यस, सारी YouTube फैमिली को प्रेम थैंक यू कहना चाहता है कि वो लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मेरे सबसे पहले सब्सक्राइबर थे वो था प्रेम, राइट प्रेम? चलिए अब अपन घर। ओके लेट्स गो। और ये हमने वापस से यू टर्न ले लिया है क्योंकि हम लोग वहाँ पे हमारा काफ़ी सामान भी भूल गए हैं और उसी के साथ मेरे कपड़े भी भूल गए हैं जो मैंने पूल में जाने के बाद चेंज किए थे, वो वाले पूल वाले कपड़े, अब हम लोग वो लेंगे। और फिर मतलब हम लोग ऑलमोस्ट घर के पास पहुँच चुके थे, हमको वापस से टर्न लेना पड़ा, अब हम जल्दी से जाते हैं और आते हैं। हाय, सो फाइनली हम वापस आ चुके हैं होटल और
प्रेम गया है हमारा सामान लेने के लिए जो हम यहाँ पे भूल गए थे, वो जस्ट लेके आएगा, उसके बाद हम वापस से निकलते हैं घर की तरफ। अब शायद हम लोग घर नहीं जा पाएंगे, अब हम हमारी दूसरी साइड पे ही जाएंगे। तो जब मैं घर पहुँचूंगी तब मैं एंड करूँगी इस ब्लॉग को, बाकी साइड्स मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वैसे ही मैं बहुत भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की आदत बेहिसाब है। और इन सारे चक्कर में मैं ब्लॉगिंग बनाते बनाते सामान भूल जाती हूँ, कुछ काम भूल जाती हूँ। कल क्या हुआ था इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कल मैं दूध लेने के लिए गई थी, उसके साथ मैंने टोस्ट लिए, ब्रेड्स ली और खारी वगैरह ये सारी चीज़ें ली, और उसी के साथ जो मेन चीज़ थी हमारा दूध, वो मैं भूल गई, वो मैं वहीं पे शॉप पे भूल गई। और फिर उसके बाद सुबह जब मैंने चेक किया फ्रिज में, मेरे हिसाब से तो मैंने ला के रख दिया था घर पे, तो आई थॉट कि फ्रिज के अंदर रख दिया गया होगा। फ्रिज में जब मैंने सुबह देखा तो मुझे याद आया कि मैं तो दूध वाले भैया के पास ही दूध भूल गई थी पैकेट्स। सो मैं इतना भूल जाती हूँ, और आज भी आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे मैं भूल गई, तो मतलब मेरे को याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ। और ऐसा आई होप आप लोगों के साथ भी कभी कभी हो जाता होगा, मेरे साथ तो अक्सर होता रहता है, बट ऐसा ज़रूर होता है कि भूल ही जाते हैं। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, अभी रात के 11:22 हो रहे हैं। और उसके अलावा भी मेरी दो साइट्स थी, मैंने वो भी विज़िट करी, बहुत ही हैक्टिक डे था। बट रोज़ मेरा डे ऐसा ही रहता है, मैं आपको बहुत ही कम ब्लॉग्स दे पाती हूँ, एक या दो ब्लॉगिंग करती हूँ मैं जो आपके साथ में शेयर कर पाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे डेकोर किया। ये जो छोटे वाले डेकोर्स होते हैं ये मैं आपको ज़्यादा दिखाती हूँ बिकॉज वो थोड़े से इजी हो जाते हैं मुझे दिखाने में, क्योंकि बड़े वाले जो डेकोर होते हैं उनकी मैं आपको एक एक डिटेल्स नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उसमें काफ़ी समय लगता है, मुझे भी मेहनत करनी होती है, जो मेरे वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको मैं डिस्टर्ब करना बिल्कुल मेरे को सही नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी इतनी धूप रहती है और फिर उसके बाद उनको परेशान करना तो वो सही नहीं है। तो फाइनली हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया, हमारे क्लाइंट्स को काफ़ी पसंद आया। आप लोग भी बताइएगा कि आपको हमारा डेकोरेशन कैसा लगा, एंड आप लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड फॉर सपोर्टिंग फेरीलाइट इवेंट्स एंड फेरीलाइट कैफे, एंड सी यू अगेन गाइस, टेक केयर, अपने घर वालों का ध्यान रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें।